Hello, 8th class students. Today we are going to start a new chapter, the National Movement Part 1. It was from between 1885 to 1918. Important terms of this chapter are repeal, to undo law or to officially end the validity of something such as law. क्या मतलब हुआ repeal का? कि किसी law को खत्म करना, उसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी मीन्स जो लॉ अब तक चल रहा था उसको एंड करना, कि उसके या तो मॉडिफाई करना उसको, उस मीन्स उस लॉ को ख़त्म करने को हम रिपील कहते हैं. नेक्स्ट कम्स मेंडिकेंसी, द हैबिट ऑफ आस्किंग अदर्स फॉर मनी, फूड और सम कंसेशंस. मेंडिकेंसी का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन की ऐसी हैबिट होना कि दूसरों से या तो मनी के लिए मांगते रहना या फूड के लिए मांगते रहना. जैसे हमारे इस चैप्टर में जो रिलेटेड मेंडिकेंसी का मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के सामने पिटीशंस डालते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे अपने राइट्स को लेने के लिए या अपने कंट्रीमैन के फेवर में कोई भी बात करने के लिए, वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगना जिसे हम कहते हैं. तो वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेंडिकेंसी है इसका मतलब ये है. नेक्स्ट इज रिएक्शनरी, अ पर्सन हु अपोजेस चेंज सीकिंग टू रिटर्न टू फॉर्मर सिस्टम. मतलब एज रिएक्शनरी होता है कि अगर कोई चेंज किया गया है किसी भी चीज़ में, हमारे चैप्टर में जो रिलेटेड है वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेशन है, तो ऐसा पर्सन जो किसी भी चेंज को अपोज करता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, उस पर्सन को हम रिएक्शनरी कहते हैं. रेवोकेशन, रेवोकेशन मीन्स रिपील, टू कैंसिल, टू अंडू. जो अभी मैंने आपको रिपील का मीनिंग बताया, रेवोकेशन एंड रिपील आर समथिंग व्हाट सेम. एब्सोल्यूटिज्म, अ सिस्टम इन विच ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. एब्सोल्यूटिज्म मतलब होता है जैसे मोनोपोली होती है, सब सारी पावर्स एक पर्सन के हाथ में होती है, ऐसे ही एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सारी पावर्स जो होती हैं एक पर्सन के हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं. इनविंसिबिलिटी, द इम्प्रेशन दैट वन कैन नॉट बी कॉन्कर्ड. ऐसा इम्प्रेशन, ऐसी सोच या ऐसा विचार जिसमें ये मान्यता रखी जाती है कि इस पर्सन को या इसको हम कॉन्कर नहीं कर सकते, इसको हम जीत नहीं सकते, दैट इज नोन एज इनविंसिबिलिटी. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिज्म और डिवोशन टू द नेशन. नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है देशभक्ति, अपना देश के लिए, अपने नेशन के लिए पूरी तरह से कुर्बान होना या पूरी तरह से अपने देश से प्यार करना, उसकी भक्ति करनी. इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कंपेल्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशंस. एशिया की और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज ऐसे थी जिनमें नेशनलिज्म फीलिंग आई और उन्होंने लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ या फॉरेन जो डोमिनेशंस थी उनके ऊपर उनसे लड़ने के लिए प्रेरणा दी. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब हमारे कंट्री में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या उसके कारण थे या कौन कौन से उनके कॉजेज थे. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, ये चारों ही फैक्टर्स रिलेटेड थे हमारे कंट्री में नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए. लेड टू द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी. इट इज़ अबाउट द 19th सेंचुरी दैट नेशनलिज्म टुक ग्रेट एक्टिवनेस इन आर कंट्री. नाउ कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इट इज़ गिवन थ्रू अ फ्लो चार्ट, यू कैन सी इट. एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, मीन्स जो पॉलिटिकली हमारे देश में जो एकता आई वो एक बहुत बड़ा कारण है. दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया मीन्स जो हमारा हमारी कंट्री का फंड था, पैसा था, हमारे यहाँ इंडिया में जेवरात थे, ये सब हमारे क्या करे गए, जो फॉरेन डोमिनेशन थी हमारे कंट्री में उन्होंने उसको लूटा, मीन्स धीरे धीरे करके उसको यहाँ हमारी कंट्री से ले गए. तीसरा आया सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. सोशो रिलीजियस मीन्स धर्म के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हमारे, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज था कि जब लोगों को समझ आने लगा कि हमारी कंट्री में सोशल ईवल्स हो रहे हैं या धर्म के नाम पर जो ईवल्स हो रहे हैं वो गलत हैं, तो वो
धीरे धीरे उसने भी नेशनल मूवमेंट का मींस कनेक्शन कर लिया। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस की थी अपने फ़ायदे के लिए, बट फ़ायदा क्या हुआ कि चलो ठीक है उनको तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन उनके साथ साथ उनका ये फ़ायदा उनके लिए नुकसान में बदल गया। अब जो हमारे इंडियंस थे वो वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड हुए, उन्हें समझ में आया कि क्या गलत है क्या सही है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है और क्या गलत तरीका अपनाया जा रहा है। तो जो इन्फ्लुएंस था हमारे वेस्टर्न एजुकेशन का वो उसमें हमें नेशनल मूवमेंट में बहुत फ़ायदा मिला। नेक्स्ट कम रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स जर्नल्स एंड नेशनल लिटरेचर। जो हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स या नेशनल लिटरेचर बनाए गए थे उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया लोगों को नेशनलिज्म के लिए। देन कम रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन जो थे उनके जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी बहुत सारी, जो हमारी कंट्री मैन के लिए बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव थी पॉलिसीज़ उनकी, उन्होंने भी नेशनलिज्म मूवमेंट में हेल्प की, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। उसके बाद आया एल्बर्ट कंट्रोवर्सी जिसमें उन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया जिसमें कि जो हमारे यूरोपियन क्रिमिनल्स थे उनको कौन वो करता था ट्रायल करता था, उनको इंडियन जो हमारे जुडिशियली थे वो ट्रायल में लाते थे। तो ये सब जो बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे जिसने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म किया। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको मैंने नंबर वाइज कॉजेस बताए हैं। नाउ फर्स्ट कम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर द होल ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म लॉज विच वर एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रूल्स लगाए, ठीक है, अपने लॉज लगाए और उन्होंने हमारी होल कंट्री पर अपना कब्जा कर लिया। और जब उन्होंने वो लॉज बनाए तो उन्होंने ये कहा कि ये हर पर्सन हर सिटीजन पे लागू किए जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, देयर वॉज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो जो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिफॉर्मिटी आई हमारी कंट्री में उससे एक बहुत बड़ा हमें नेशनलिज्म के लिए कॉज मिल गया। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड में ब्रिटिशर्स और इंडियंस के स्टैंडर्ड में हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन जो इनके लॉज थे ब्रिटिशर्स के वो ये कहते थे कि हमारे इंडियंस पर भी लागू होंगे। तो जिससे क्या होता था, इंडियंस वर वेरी वेरी सप्रेस्ड और जिसके कारण नेशनलिज्म फीलिंग लोगों के अंदर जागने लगी। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर उस टाइम पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था और जो कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो भी मॉडर्न होने लगे। इनेबल्ड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मीट विद ईच अदर। तो उससे क्या हुआ, लोग आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, किसी को कहीं मिलने जाना था तो वो लोग इधर से उधर जाने लगे। दे कुड नाउ चॉक आउट अ कॉमन प्लान ऑफ एक्शन। अब लोग क्या करते थे कि एक कॉमन प्लान बनाते थे। सेकेंड केम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि हमारा जो इंडिया का पैसा था वो जो ब्रिटिशर्स थे वो लूटने लगे और धीरे धीरे हमारी कंट्री से बाहर लेकर जाने लगे। इंडियन पीजेंट्स कंटिन्यू टू रिमेन पुअर एंड अंडर डेप्ट। अब जो इंडियन गुलाम थे हमारे जो इंडियन लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, हम सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के अंडर में थे उस टाइम, तो टू रिमेन पुअर, वो क्या हुआ, पुअर थे तो पुअर और पुअर और पुअर होते चले गए और उनके ऊपर क्या हुआ, कर्जा होता चला गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे, टैक्सेस लेते थे इंडिया से लार्ज अमाउंट में। तो अटेम्प्ट्स वर मेड बीइंग मेड टू डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को तो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स जो था उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और हमारी इंडियन मार्केट में फैलाना शुरू कर दिया। इंडियाज़ वेल्थ वॉज बींग टेकन अवे टू इंग्लैंड थ्रू मैनी सोर्सेज। और हमारी जो कंट्री की वेल्थ थी, जो पैसा था, जो हीरे जवाहरात थे, वो सब धीरे धीरे इंग्लैंड की तरफ ले गए अलग अलग मीन्स से। All this was resented by the Indians. और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई।
Next came socio-religious reform movements. The 19th century saw a series of reform movements. आपको जैसे हमने पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें आपने वुमेन के लिए रिफॉर्म्स देखे, आपने जो अनटचेबल्स थे या लोअर कास्ट लोग थे उनके लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे, तो वो सारे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे देवर इन 19th सेंचुरी. तो जो द रिफॉर्मर्स लाइक दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद टॉट पीपल टू बी ब्रेव एंड बोल्ड. और ये दो ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने लोगों को ब्रेव होना सिखाया, बोल्ड होना सिखाया, और अपने लिए अपने जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ बोलना सिखाया, आवाज़ उठानी सिखाई. दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स प्लेड एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रोल इन अराउजिंग नेशनलिस्टिक पैशन अगेंस्ट द फॉरेन रूल. और जब लोगों के अंदर एजुकेशन आई, उनके अंदर स्ट्रेंथ आई, ब्रेव हुए वो लोग, उन लोगों के जो प्रवचन थे उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म फीलिंग अपने अंदर आई, उनके अंदर आई, और जो ब्रिटिश रूल था, जो फॉरेन रूल था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी. फोर्थ केम इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. जब ब्रिटिशर्स ने अपनी इंग्लिश एजुकेशन को हमारे कंट्री में लाए, एजुकेटेड इंडियन स्टडीड द वर्क ऑफ लॉक, स्पेंसर, मिल एंड वॉल्टेयर. ये सब हमारे फॉरेन राइटर्स कह लो, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे थे या जो उनके जर्नल्स थे या वीकली मैगजीन्स थी या जो भी इनकी राइटिंग्स थी, हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने उन चीज़ों को पढ़ा, उन लिटरेचर को पढ़ा. तो उनसे क्या उन्हें समझ में आया, दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्हें जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उन्होंने उससे प्रेरणा ली, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इवेंट्स ऑफ वॉर्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. ये सब जब उन्होंने लिटरेचर पढ़े तो उन्हें अपने लिए भी यही चीज़ समझ में आई कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे पास भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमारे ऊपर भी ये ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए. मैनी यंग मैन वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. और बहुत सारे हमारे इंडियन यंग मैन जो थे वो इंग्लैंड अपनी हायर एजुकेशन के लिए गए. देयर स्टे इन देयर गेव देम नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. जब वो वहाँ रहे, वहाँ रहकर उन्हें समझ में आया, उन्हें नॉलेज मिली कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ वो काम कैसे करते हैं. व्हेन दे रिटर्न टू इंडिया दे वर्क फॉर द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ देयर मदरलैंड. और जब वो वापस अपनी कंट्री में आए, अपने मदरलैंड में आए, तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें कैसे अपने फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहिए. नेक्स्ट कॉज वॉज रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, जर्नल एंड नेशनल लिटरेचर. द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द कंट्री. जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस मीन्स जो न्यूज़पेपर्स छपते थे, जर्नल छपते थे, मैगजीन्स छपती थी, या हमारे नेशनल लिटरेचर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अवेयरनेस कंट्री में जागरूक किया. बाल गंगाधर तिलक स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्रीडम थ्रू हिज राइटिंग्स इन केसरी एंड द महारत्ता. बाल गंगाधर तिलक के दो राइटिंग्स थी, केसरी और महारत्ता. यू हैव टू रिमेंबर दीज टू जर्नल्स. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वर्क्स लाइक भारतेंदु हरिश्चंद्र प्ले भारत दुर्दशा एंड बंकिम चंद्र चैटर्जीज नॉवल आनंदमत वर ऑल्सो पब्लिश्ड. Our national song Vande Mataram was taken from the novel Anandmat. People drew great inspiration from this song. जो हमारा आनंदमत था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल लिखा था, उसमें से ये सॉन्ग निकाला गया वंदे मातरम. उसको सॉन्ग की तरह से प्रेजेंट किया गया और हमारे कंट्री में इस सॉन्ग ने, वंदे मातरम ने, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन दी और नेशनलिज्म फीलिंग लोगों के मन में डाली और क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट चल पड़ा. Repressive policy of Lord Lytton. Next came repressive policy of Lord Lytton. Lord Lytton was the Viceroy of India from 1876 to 1880. You should remember this also कि उनका जो time period था Lord Lytton का India में वो कब से कब तक का था. It was from 1876 to 1880. In 1877 he reduced the maximum age limit for appearing in the civil service examinations from 21 to 19. उन्होंने क्या किया, Lord Lytton ने, जो हमारे civil service examinations होते थे उसकी age limit
रिक्वायरमेंट थी कि 21 इयर्स तक के बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी एज घटा दी 21 से 19 तक कर दी। तो उससे क्या हुआ, जो अब लेसर इंडियंस जो यूथ थी वो अपीयर करने लगी एग्जामिनेशन में। इट वॉज अपोज्ड बाय द नेशनलिस्ट लीडर, और इसको फिर नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपोज भी किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू साइलेंस ऑल ऑपोजिशंस बाय इनएक्टिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट इन 1878। ये दो एक्ट ऐसे थे जो गवर्नमेंट ने इन लोगों को शांत करने के लिए, इन लोगों की ऑपोजिशन जो थी उसको बंद करने के लिए पास किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, उन्होंने जो इंडियन प्रेस थी जो वो इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखती थी, वो सारी बंद करवा दी। आर्म्स एक्ट में क्या था कि कोई भी इंडियन अपने घर में अपने पास कोई भी आर्म्स नहीं रख सकता। तो ये सब करने का क्या मोटिव था, इन लोगों का मोटिव था कि ताकि लोग कुछ इनके खिलाफ आवाज़ ही ना उठा सके, कहीं कुछ लिख ही ना सके। मैनी एडिटर्स हु अपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर सेंटेंस टू जेल, और जिस किसी भी एडिटर ने इस चीज़ के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको सबको जेल में डाल दिया गया। सच रिप्रेसिव मेजर्स कॉज्ड एंगर एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इससे क्या हुआ, जो ऐसे घातक इनके रिप्रेसिव जो मेजर्स थे उससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, बहुत नफरत आ गई गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट वॉज एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। सर एल्बर्ट वॉज अ लीगल मेंबर ऑफ द विसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग लॉर्ड रायपन्स रेजीम 1880 to 1884। ये विसरॉय थे लॉर्ड रायपन जब हमारे कंट्री में थे उनके टाइम के ये विसरॉय थे। अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 टू ब्रिंग पैरिटी इन पावर्स ऑफ द इंग्लिश एंड द इंडियन जजेस, मींस इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो और इंडियन जजेस को पेयरिंग करने में उन्होंने एक बिल पास किया। स्पेशली फॉर पर्पस ऑफ ट्रायल ऑफ यूरोपियंस फॉर अ क्रिमिनल के offense. However, the Europeans opposed the bill and finally a compromise was reached. तो इस चीज़ के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ यूरोपियंस ने आवाज़ उठाई कि अगर कोई यूरोपियन ऑफेंस है तो उसको सिर्फ यूरोपियन ही मीन्स जज करेंगे, इंडियंस को अलाउ नहीं करना है। फिर एक कॉम्प्रोमाइज सेटअप किया गया। The Indian judges were given the power to try European offenders on the condition that the accused were to have the benefit of trial by jury, के जो अगर कोई भी यूरोपियन ऑफेंडर होगा उसके लिए एक ज्यूरी बिठाई जाएगी जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर्स व्हिच वुड बी यूरोपियंस, उसमें जो हाफ मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे और जो हाफ होंगे वो यूरोपियंस होंगे। एजिटेशन अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल शोड दैट द इंग्लिश मैन कंसिडर्ड देमसेल्व्स रेशियली सुपीरियर टू इंडियंस। ये जो बिल पास हुआ इसने ये जताया कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को इंडियन से सुपीरियर समझते थे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई अलग अलग तरह की। The period between 1866 and 1885 saw the emergence of a number of political associations. They were regarded as the forerunners of the Indian National Congress. इसका क्या मतलब हुआ forerunners का? मतलब कि कितनी सारी ऐसी associations बनाई गई जिनके चलते फिर Indian National Congress हमारी country में permanent form में बनाया गया। दादाभाई नारोजी was India's unofficial ambassador in India. He presided over the sessions of Congress in 1886, 1893 and 1906. He came to be known as the Grand Old Man of India. आपको ये पता होना चाहिए कि who was known as the Grand Old Man of India? He was Dadabhai Nauroji. Dadabhai Nauroji founded the East India Association in 1866 in London. ये तीनों points आपको learn करने हैं and you should know about the year also and the place also. कि किसने कौन सी association किस year में कहाँ बनाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। In 1870, Justice Mahadev Govind Rana Day founded the Pune Sarvajanik Sabha. During the years of drought, जब अकाल पड़ा हमारे, सूखा पड़ा हमारे कंट्री में, the Sabha could secure relief to the
कल्टिवेटर्स ऑफ द महाराष्ट्र. जो जब ड्रॉट पड़ा हमारे कंट्री में, तो इस सभा ने रिलीफ फंड इकट्ठा किया और हमारी कंट्री में जो कल्टिवेटर्स थे उनको हेल्प की. इन 1876 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता, जो कि आज हम कोलकाता कहते हैं जिसको. ऑल द अबव एसोसिएशंस वर ऑफ लोकल नेचर. लोकल नेचर मीन्स वो कुछ एरिया में काम करती थी. देयर हैड बीन एन अर्ज फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. और उस टाइम पीरियड में एक नीड थी कि ऑल इंडिया कोई एसोसिएशन ऐसी बनाई जाए जिससे पूरी कंट्री कनेक्टेड हो. देयरफॉर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कन्वीन्ड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विच मेट एट कैलकटा इन 1883. उन्होंने कैलकटा में एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की 1883 में. और जिससे कि क्या हुआ, जो अदर पार्ट्स के लीडर थे हमारे कंट्री के, जो बाकी जगहों के जो लीडर्स थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया. द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज द फोर रनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885. और इसके चलते ये चलते रहे, लोगों को पसंद आई और इसके ही थ्रू धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया इन 1885. द टू वर मर्ज्ड इन 1886. ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म की गई, 1885 में. इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म की गई, 1883 में. और इनकी मर्जिंग कब हुई, 1886 में. ये दो मर्ज होके एक बन गए. The birth of Indian National Congress. The birth of Indian National Congress is an event of great significance in the history of India. It was the first all India association of a permanent nature. जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया मैंने कि बहुत सारी associations बनी कंट्री में, बट देवर ऑफ लोकल नेचर. वो थोड़े थोड़े एरिया में काम करती थी. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी एसोसिएशन बनाई गई जिसमें ऑल ओवर इंडिया काम किया और वो एक परमानेंट नेचर की थी. आपको पता है कांग्रेस अब भी है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक परमानेंट नेचर की एसोसिएशन बनाई गई. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, हैड प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने के लिए. दैट इज़ व्हाई ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर और फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यू शुड नो दैट हु वॉज नोन एज द फादर और फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ही इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या उनको हम A.O. ह्यूम भी कहते हैं इन शॉर्ट. His real motive was to save British Empire. चाहते थे वो British Empire को ही save करना, पर फिर भी उन्होंने Indian National Congress की formation में help की. He considered the situation in India highly explosive and wanted an organization through which the government could be kept regularly informed of the Indian public opinion. वो ये Congress association इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि ताकि वो जो लोगों के बीच में बातें चल रही हैं वो government तक पहुंच सके. जो Indian public का opinion था वो British government तक पहुंच सके. वो इसलिए चाहते थे कि Indian National Congress बने. The first session of Indian National Congress was held at Bombay in December 1885. It is also an important line that the first Indian National Congress kahan par held kiya gaya? It was at Bombay in December 1885. Aur inke president kaun bane us time par? Vyomkesh Chandra Banerjee. A leading barrister of Bengal. वो कौन थे? एक barrister थे Bengal में. The first session was attended by 72 delegates from all parts of India. और इस जो उसका first session हुआ उसमें 72 delegates आए सारी अपने पूरी country में से. It was attended by such eminent persons as दादा भाई नारोजी, काशीनाथ त्रिम्बक, तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन त्यागजी, जस्टिस रानाडे एंड अदर्स. और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने ये जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अटेंड किया. नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई, या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्यों हेल्प की इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए. लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोटिव क्या था, क्या उनके एम्स थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डिस्क्राइब्ड एज अंडर.
to enable national workers from all the parts of the India to become personally known to each other. सबसे बड़ा मोटिव इन लोगों का ये था कि जो हमारे जितने भी नेशनल वर्कर्स हैं, जो अपने फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं या नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, वो एक दूसरे को जान सके, पर्सनली एक दूसरे को पहचान सके, उनके बारे में जान सके. प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग ऑल लवर्स ऑफ द कंट्री, और एक दूसरे के मनों में नेशनल यूनिटी जगाने के लिए उनका एक सबसे बड़ा एम था. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स एंड प्लेसिंग देम बिफोर द गवर्नमेंट, और ऐसी डिमांड्स को फॉर्म करना जो लोग चाहते थे, उन डिमांड्स को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करना भी एक बहुत बड़ा मोटिव था उनका, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि तभी तो कुछ चेंजेस आएंगे हमारे लिए. ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, और हमारी पब्लिक क्या चाहती है, ओवरऑल ओपिनियन क्या है पब्लिक का, वो भी पता लगाने के लिए, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर थ्रू आउट द कंट्री, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, इट वॉज फॉर ऑल ओवर द कंट्री. अब एरा ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म, 1885 से 1905 तक मॉडरेट नेशनलिज्म चला. मॉडरेट लोग कौन थे? जो पिटीशंस फाइल करते थे, जो जो गवर्नमेंट से रेजोल्यूशंस के थ्रू बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में बात करते थे, और जो मींस वो नहीं थे, बहुत असर्टिव नहीं थे, असर्शन नहीं थी उनके अंदर, वो गवर्नमेंट के सामने एप्लीकेशंस लिख के, पिटीशंस लिख के बात करते थे कि भाई कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बात करते थे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द बिगनिंग वॉज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स पिटीशनर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले. द डिमांड्स वर ऑफ मॉडरेट कैरेक्टर, देयर मेथड्स ऑफ स्ट्रगल वॉज ऑल्सो क्वाइट मॉडरेट. They believed in the constitutional methods of persuasion. They regularly sent petitions and resolutions to the government asking for a greater representations of Indians in the government and administration. Demands इनकी भी वही थी जो assertive Indians की थी, लेकिन तरीके इनके अलग अलग थे. मॉडरेट्स जो थे वो पिटीशंस फाइल कर करके या एप्लीकेशंस लिख के, रेजोल्यूशंस बना के गवर्नमेंट से बात करते थे, लेकिन जो असर्टिव लोग थे उनका कहना था अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें इनसे छीनना ही पड़ेगा, हमें ये लोग आराम से कुछ भी नहीं देंगे. तो यही इनका डिफरेंस था. डिमांड्स भले ही सेम थी, मांगते वो भी यही थे और ये भी यही थे, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. वो गवर्नमेंट में भी अपने इंडियंस को चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने इंडियंस को चाहते थे. द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सबके सामने रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए. द प्लेसमेंट ऑफ इंडियंस एंड हाई पोजिशन इन द गवर्नमेंट, और इंडियन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको भी गवर्नमेंट में हाई पोजिशंस मिलनी चाहिए. सिविल सर्विस examinations टू बी held simultaneously both इन लंडन एंड इन इंडिया, इंडिया और लंडन में दोनों जगह एक साथ होने चाहिए सिविल सर्विस examinations. कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, टू repeal ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड प्रमोट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जो जुडिशियरी है कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए अपने इस आर्म्स एक्ट को और इसको ख़त्म करने के लिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए. दादा भाई नारोजी थ्रू हिज फेमस ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ इंडियाज वेल्थ वॉज बींग टेकन अवे टू इंग्लैंड. दादा भाई नारोजी की जो ड्रेन थ्योरी थी उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि हमारी जो वेल्थ है, इंडियन वेल्थ है, वो किस तरह से इंग्लैंड लेके गई. Moreover, the moderates like Justice Ranade and Gopal Krishna Gokhale raised their voice against social evils such as child marriage. 19th century में बहुत सारे social reformers थे और उनमें से एक थे जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने child marriage या फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, बहुत सारी जो हमारी उसमें कंट्री में सोशल ईवल्स थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी. द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892
वॉज इनएक्टेड मेनली बिकॉज ऑफ दे एफर्ट्स, और इनके एफर्ट्स के थ्रू एक काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनैक्ट किया गया. पॉपुलरली नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स. तो यू शुड नो दैट हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. In 1905, he established the Servants of India Society, which trained people to devote their lives to the cause of country. तो उन्होंने क्या फॉर्म की, एक सोसाइटी बनाई, एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी रखा. और उसमें क्या किया जाता था, उसमें लोगों को ट्रेन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपनी लाइफ कैसे अपने देश के लिए कुर्बान की जा सकती है. In 1902, he became the member of the Imperial Legislative Council. और वो 1902 में Imperial Legislative Council के member बन गए. Initially, the moderates had full faith in the British sense of justice and fair pay. पहले पहले starting में क्या हुआ, जो moderates थे उनको पूरा belief था British पर कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बराबर फेयर प्ले किया जाएगा हमारे साथ. दे बिलीव दैट द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट द जस्टिस डिमांड्स ऑफ द इंडियंस. और उन्होंने, उनको ये विश्वास था कि जो ब्रिटिश थे वो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको फुलफिल भी करेंगे. द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस. अब गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ. In the beginning, the attitude of British government towards the Indian National Congress was friendly. Starting में तो बहुत अच्छा था, friendly था, जैसा भी थोड़ा बहुत वो लोग demand करते थे थोड़ा बहुत वो लोग मान जाते थे Britishers. The delegates who attended the Congress session in 1886 were invited to a garden party by the Viceroy. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस को जिन डेलीगेट्स से अटेंड किया था उनको उन विसरॉय ने गार्डन पार्टी में भी बुलाया. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेंडेड कांग्रेस सेशंस. और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी कांग्रेस सेशंस को अटेंड किया. लेकिन ग्रेजुअली अंडर द प्रेशर ऑफ द असर्टिव एलिमेंट्स the congress began to put forward such demands as were not liked by the british. lekin dheere dheere kya hone laga, jo hamare country mein assertive elements the, jo ye jinka ye manna tha ki hame aaram se british government kuch nahi degi, agar hame kuch chahiye to hame apne haq ke liye ladna padega, to aise kuch elements the unhone jab demands rakhni shuru ki to unhone aisi demands rakhi jo ki britishers ko pasand nahi thi. As a result, the British turned hostile towards the Congress. और धीरे धीरे ब्रिटिश क्या हो गई, हमारे कांग्रेस के विरुद्ध हो गई, उनके खिलाफ हो गई. Era of the assertive nationalist movement. अब जो assertive nationalist थे उनके टाइम पीरियड का के बारे में बताया जा रहा है इसमें. A section of Congress leaders started raising questions about the demands and methods of the moderates. जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, क्वेश्चन करना शुरू किया अपनी डिमांड्स, और जो मॉडरेट्स डिमांड रखते थे और मेथड्स जो उनका था पिटीशन फाइल करने का, ये सब उसके खिलाफ उन्होंने उन क्वेश्चंस करने शुरू किए. दे क्रिटिसाइज देम फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड कॉल्ड देयर मेथड्स एज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी. आपको जब मैं मेंडिकेंसी की डिफाइन बता रही थी तब मैंने आपको मतलब समझाया था कि हमारे इस चैप्टर में क्या मतलब है इस मेंडिकेंसी का. मेंडिकेंसी का मतलब होता है हैबिट ऑफ कोई भी चीज मांगने की हैबिट होना. तो जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि जो हमारे मॉडरेट्स लीडर हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरह के पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है उनकी, वो उनकी एक हैबिट है कि हर चीज़ मांग के करो. असर्टिव नेशनलिस्ट का क्या थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग थी कि हमें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा. लेकिन मॉडरेट्स की क्या थिंकिंग थी, वो ब्रिटिशर्स पर बिलीव करते थे और उनका मानना ये था कि अगर हम कोई भी डिमांड रखेंगे उनके सामने तो देर विल बी फेयर प्ले एंड वो डिमांड हमारी पूरी की जाएगी. दे टॉक्ड ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड आर नोन एज द असर्टिव नेशनलिस्ट.
The cause of for the rise of a certain nationalism in India politics were as follows. अब क्या कारण थे कि assertive nationalism हमारी कंट्री में आया? जब अगर moderates का ये बिलीव था कि हम petitions फाइल करें, डिमांड रखें और ब्रिटिशर्स फुलफिल कर देंगे, तो ऐसे क्या कारण बने जिसके कारण assertive nationalism movement हमारे कंट्री में चला? The first one is the Indian Council Act could not come up to the expectations of our leader. जो Indian Council Act बनाया गया उसमें जो expectations रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई. हमारे leaders के जो मानना था उनकी expectations को पूरा नहीं किया गया. दूसरा, the government machinery was slow in providing relief to the people during a countrywide famine in 1896 to 1897. और जब हमारी कंट्री में अकाल पड़ा, भूखमरी आई, तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतनी स्लो थी हमारी कंट्री मैन को रिलीफ प्रोवाइड करने में. तो एक कारण ये भी हुआ कि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने, जो एसर्टिव्स थे, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की. बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंटेंस टू 18 months इम्प्रिजनमेंट इन 1897 to 1898, और उन्हें 18 months का बाल गंगाधर तिलक को इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया फॉर हैविंग रिटन एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स इन केसरी. और कारण क्या था कि उन्होंने अपने केसरी जो उनकी राइटिंग थी, नॉवल था, उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स लिखे थे. इट वॉज ग्रेटली रिसेंटेड बाय द पीपल थ्रू आउट द कंट्री. और ये हमारी कंट्री में, पूरी कंट्री में, कंट्री में जो हमारे इंडियंस थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई. जापान्स विक्ट्री ओवर रशिया इन 1905 एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ यूरोपियन सुपीरियरिटी एंड देयर इनविंसिबिलिटी. और जब जापान की विक्ट्री हुई ओवर रशिया, जब उन्होंने उसको कॉन्कर किया 1905 में, तो जो मिथ था, जो वहम था कि यूरोपियंस ही सुपीरियर हैं, ये मिथ ख़त्म हो गया कि उनको जीता नहीं जा सकता. उनको जीता जा सकता था क्योंकि रशिया को जापान ने रशिया के ऊपर विक्ट्री की. तो जब ये भी ऐसा हुआ तो मिथ ख़त्म हो गया. एट दिस टाइम मच ऑफ द अनरेस्ट इन इंडिया वॉज ड्यू टू लॉर्ड कर्जन्स रिप्रेसिव मेजर्स. और इसी टाइम पर लॉर्ड कर्जन का जो मिसचीफ था या रिप्रेसिव एक्शन था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल. उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, विच ही अनाउंस्ड इन 1903 एंड कैरिड आउट इन 1905, जो कि उन्होंने 1903 में अनाउंस कर दिया था कि ऐसे ऐसे पार्टीशन होगा बंगाल का, और उसको कैरी आउट किया 1905 में. ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट. अब क्या क्या उनके मोटिव्स थे असर्टिव नेशनलिस्ट के, किस तरह के प्रोग्राम्स किए गए, और क्या उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल था अपनी कंट्री में फ्रीडम लाने के लिए. द असर्टिव नेशनलिस्ट इंक्लूडेड लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय. दिस ट्रायो ऑफ स्टॉन्च नेशनलिस्ट केम टू बी नोन एज लाल बाल पाल. और जब ये तीनों को, इन तीनों को इकट्ठे जब बात की जाती थी तो लाल बाल पाल के नाम से बोला जाता था. While the objective of the moderates was to seek administrative, legislative and economic reforms, the objective of the assertive nationalist was a freedom, free, independent India. और जो ये असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी फॉरेन डोमिनेशन का रूल नहीं हो. तिलक डिक्लेयर्ड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. एक स्लोगन दिया गया तिलक के थ्रू, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. मैं, हमें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे. देयर वॉज अ बेसिक डिफरेंस इन द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ दीज टू फैक्शंस. जो ये जो दो गुट थे, कौन कौन से, मॉडरेट्स और असर्टिव नेशनलिस्ट, इन दोनों के ही तरीके अलग अलग थे. लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डिमांड्स सबकी एक ही थी, सभी यही चाहते थे कि हमारी कंट्री फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो. द मॉडरेट्स कैरीड ऑन देयर वर्क बाय मीन्स ऑफ पिटिशंस, अपील्स एंड रेजोल्यूशंस, वेयर एज द असर्टिव नेशनलिस्ट बिलीव्ड इन स्वदेशी, बॉयकॉट एंड पॉपुलराइजिंग नेशनल एजुकेशन. और वो चाहते थे कि हमारे इंडिया की एजुकेशन चले, ब्रिटिश गुड्स को या ब्रिटिश किसी भी चीज़ को, एजुकेशन को भी बॉयकॉट किया जाए और सब कुछ स्वदेशी अपनाया जाए.
now split in the Congress. The Calcutta session of the Indian National Congress in 1906 witnessed a sort of compromise between the moderates and the assertive nationalists. जब कलकत्ता में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया हुआ मॉडरेट्स और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में. दादाभाई नारोजी प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन एंड स्वराज वॉज प्रोक्लेम्ड एज द गोल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम by any Congress President. दादाभाई नारोजी President थे इस Calcutta session के और उन्होंने स्वराज को as a goal माना अपनी Indian National Congress में. However, the moderates were of the view that स्वराज should be attained only through constitutional means. भले ही moderates ये चाहते थे कि स्वराज जो attain किया जाए, जो हासिल किया जाए, वो constitutional means से किया जाए. बट फिर भी उनका भी मोटिव यही था कि हाँ स्वराज मिलना चाहिए. द असर्टिव नेशनलिस्ट ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट अनलेस दे पुट स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दे कुड नेवर अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. लेकिन इसके ऑपोजिट जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका यही मानना था कि जब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो स्वराज हमारा मोटिव है वो हम अचीव नहीं कर सकते. This resulted in the split of the Indian National Congress. And next year at the Surat session. और जब Surat session हुआ तो उस time पर Indian National Congress means moderates और assertive nationalists को separate कर दिया गया, अलग अलग split कर दिया गया. तो इसका नाम दिया गया Surat split. Surat split. The assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai as the president of the Surat session. और Surat session पे जो president बने वो बने Lala Lajpat Rai. Whereas the moderates proposed the name of Rajbihari Ghose. उन्होंने जो moderates थे उन्होंने Rajbihari Ghose का नाम दिया. When the session at Surat began in December 1907, there was utter confusion. कुछ confusion हुई दोनों के बीच में. Then Indian National Congress got split. और Indian National Congress थी वो split हो गई. अलग अलग इनको separate होना पड़ा. For next 9 years, the assertive nationalists kept out of the Indian National Congress. और जो assertive nationalists थे उनको Indian National Congress से हटा दिया गया. Taking advantage of the split in Congress, the British government took repressive measures. और इस फूट का इस स्प्लिट का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया. In 1908, बाल गंगाधर तिलक was tried and sentenced to 6 years of imprisonment. 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया 6 साल के लिए. अदर लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड सरदार अजीत सिंह वर डिपोर्टेड टू बर्मा विदाउट ट्रायल. और बिना ही किसी पूछताछ के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस के लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया, मींस एक्सपेल कर दिया गया बर्मा, जो म्यांमार कहते हैं जिसको, म्यांमार, वहाँ पर भेज दिया गया उनको. पार्टीशन ऑफ बंगाल. Lord Curzon was the Governor General of India from 1899 to 1905. Lord Curzon थे, कौन थे? Governor General of India थे वो in from 1899 to 1905. इनका time period था 1899 से 1905 तक. He took several measures to check the growing influence of the assertive nationalist in the Congress. और इन्होंने बहुत सारे ऐसे measures रखे जो कि assertive nationalist थे उनको अलग रखने के लिए कांग्रेस से. द फाइनल एक्ट ऑफ हिज मिसचीफ वाज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. और उनका फाइनल मिसचीफ जो था वो था बंगाल का पार्टीशन. रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कारण रखे बंगाल को पार्टीशन करने के लिए. अब उन्होंने जो पेश किया इंडियंस के सामने या गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने, वो एक सही तरीका शो किया, लेकिन उनका जो अंदर खाने जो मोटिव था वो दूसरा ही था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डेड द साइज ऑफ बंगाल प्रोविंस टू बी टू लार्ज टू बी प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. उनका कहना था कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि वहाँ पर एक सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता.
The argument presented in the favor of the partition was that it would improve administration of both the provinces. और ये show किया गया कि अगर बंगाल का partition कर दिया जाएगा तो जो दोनों province बनेंगे, जो दोनों अलग अलग राज्य बनेंगे, वहाँ पर जो administration की condition है वो अच्छी हो जाएगी, improve हो जाएगी. The new province called Eastern Bengal had an area of about 1,6,000 square miles and a population of about 31 million. Its capital was Dhaka, जिसे हम अब ढाका कहते हैं. The partition of Bengal became effective from 16 October 1905. Important line, you should know कि when the partition of Bengal was effected. It was effective from 16 October 1905. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पेश कुछ किया और उसका मोटिव कुछ था, अंदर से वो कुछ और ही मानता था. लॉर्ड कर्जन्स ईवल मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो चाहते क्यों थे कि बंगाल का पार्टीशन किया जाए. टू ब्रेक, सबसे पहला टू ब्रेक द ग्रोइंग सॉलिडरिटी ऑफ बंगाली नेशनलिज्म. बंगाल में सबसे ज़्यादा नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था, वो उसकी सॉलिडरिटी जो थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, उसको तोड़ना चाहते थे. टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इन बंगाल, और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम थे उनके बीच में फूट डालना चाहते थे, उनके बीच में नफरत पैदा करना चाहते थे. ये दो मोटिव थे लॉर्ड कर्जन के, जिसके लिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया. लेकिन उन्होंने शो क्या किया, बड़े अच्छे तरीके से शो किया कि इतना बड़ा राज्य है तो ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं किया जा सकता, तो उसको पार्टीशन कर देना चाहिए, दो हिस्सों में कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके. इन द न्यू प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल दैट नाउ कॉम्प्राइजेज बांग्लादेश. ईस्टर्न बंगाल क्या था, जो अब बांग्लादेश है. द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, और वहाँ पर क्या थे, मुस्लिम्स ज़्यादा क्वांटिटी में थे. वेयर एज इन वेस्ट बंगाल विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी, और वेस्ट बंगाल में हिंदूज ज़्यादा थे, तो इसलिए इन ईस्टर्न बंगाल को ईस्टर्न और वेस्टर्न उसमें बांट दिया गया. फिर आया स्वदेशी मूवमेंट. The partition of Bengal infuriated people all over India. जो जब ये partition हुआ बंगाल का, तो उसमें क्या हुआ, लोग बहुत क्रोधित हो गए, उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे बंगाल का partition क्यों किया गया, हिंदू मुस्लिम में क्यों divide किया गया. The Indian people also gave a befitting reply to the British mischief. और लोगों ने, हमारे जो इंडियन लोग थे उन्होंने भी मुनासिब तौर से तरीके से जवाब दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को. There was a massive upsurge and people belonging to both the communities started the Swadeshi and boycott movements. तो जब ये हुआ पार्टीशन हुआ, तो हमारे जो इंडियन लोग थे दोनों ही कम्युनिटीज़ के, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे, दोनों ने ही स्वदेशी को अपनाया और विदेशी को, विदेशी मीन्स ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश एजुकेशन को, सबका बॉयकॉट किया. इनफैक्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वेंट टुगेदर, दोनों चीज़ साथ साथ चली. बाल गंगाधर तिलक सेड व्हेन यू वांट स्वदेशी यू मस्ट बॉयकॉट विदेशी फॉरेन गुड्स, जब अगर तुम्हें स्वदेशी अपनाना है तो तुम्हें विदेशी को बॉयकॉट करना ही पड़ेगा. पीपल मेड अ बॉनफायर ऑफ ब्रिटिश गुड्स एट बिजी इंटरसेक्शंस, और जो बिजी चौराहे थे जहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ पर वो बॉनफायर बनाते थे ब्रिटिश गुड्स का और उसमें आग लगा देते थे. द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट हैड इट्स इम्पैक्ट एवरीवेयर टू, सबसे ज़्यादा ये स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्ट्रॉन्ग था लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री में आ रहा था, जगह जगह पर ऐसा होने लगा. फिर लोग स्वदेशी अपनाने लगे और विदेशी को बॉयकॉट करने लगे. नाउ इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, अब स्वदेशी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर आया. द स्वदेशी मूवमेंट सीरियसली अफेक्टेड द सेल ऑफ ब्रिटिश क्लोथ्स एंड अदर गुड्स, जब उसका ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश क्लोथ्स का, सब चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ब्रिटिश गुड्स थी, मार्केट थी, वो धीरे धीरे इफेक्टेड होने लगी.
स्वदेशी भंडार्स विच सोल्ड गुड्स मेड इन इंडिया वर ओपन एट वेरियस प्लेसेस, और जगह जगह पर स्वदेशी भंडार्स खोल दिए गए। स्वदेशी भंडार मतलब जहाँ पर इंडिया का बना हुआ कपड़ा, इंडिया से बना हुआ गुड्स बेचा जाने लगा। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ग्रेजुअली ग्रू इनटू अ फोर्सफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट, और ये जो हमारा बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके लिए, उसके खिलाफ जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया था, अब वो धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट का रूप लेने लगा। मीन्स बड़े स्केल पर नेशनलिज्म फैल गया हमारी कंट्री में, लोगों के मन में अपने कंट्री के लिए प्यार और पैट्रियाटिक फीलिंग जागने लगी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ वर यूनाइटेड इन द डिसलाइक ऑफ द ब्रिटिश राज, और हमारी कंट्री में बहुत सारे जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, वो सभी ब्रिटिश राज को डिसलाइक करने लगे। द स्लोगन वंदे मातरम वॉज फॉरबिडन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो वंदे मातरम हमारा स्लोगन था नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उसको उस पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया गया। बट पीपल फ्लोटेड दिस रूल टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन लोगों ने इस रूल का उल्लंघन किया ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें। मीन्स उन्होंने वंदे मातरम को के स्लोगन को ही अपना हथियार बना लिया। द मुस्लिम डेप्यूटेशन, अब मुस्लिम जो लोग थे उनकी मीन्स प्रतिनिधि कैसे की गई। कम्युनलिज्म वॉज प्रेवलेंट टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। कम्युनलिज्म मतलब होता है कौमवाद, जैसा आपको अभी बताया ना हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने फूट डालने की कोशिश की थी, तो ये कौमवाद बहुत ज़्यादा फैल गया हमारे कंट्री में 19th सेंचुरी में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने लोगों हिंदू मुस्लिम में फूट डालनी शुरू कर दी, डिवाइड एंड रूल अपना लिया। एंड सोड द सीड ऑफ डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, और उन्होंने डिसयूनिटी के, डिसयूनिटी मीन्स अनेक जो एकता है उसको भंग करने के बीज बोने लगे। हिंदुओं को मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काना, मुस्लिम्स को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ली। ऑन 1st October 1906 अ मुस्लिम डेप्यूटेशन लेड बाय आगा खान मेट विसरॉय लॉर्ड मिंटो। जो आगा खान थे वो एक मुस्लिम डेप्यूटेशन को लीड कर रहे थे, और वो किससे जाके मिले, वो मिले विसरॉय लॉर्ड मिंटो से। इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर द मुस्लिम्स एंड देयर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन सिविल मिलिट्री एंड जुडिशियल सर्विसेज। उन्होंने उनके सामने डिमांड रखी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब है कि मुस्लिम लोगों में से ही कोई इलेक्टोरेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए और उन्हें मुस्लिम्स ही वोट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट मेंट दैट द मुस्लिम्स वुड वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड द हिंदूज वुड वोट फॉर द हिंदूज कैंडिडेट। इसका मतलब हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कि मुस्लिम लोग जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे और हिंदू लोग जो हैं वो हिंदू कैंडिडेट को वोट देंगे। लॉर्ड मिंटो गेव एन एश्योरेंस दैट द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वुड बी ड्यूली प्रोटेक्टेड, और लॉर्ड मिंटो ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि हाँ मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर बर्थ ऑफ द मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो फॉर्म की गई। द मुस्लिम लीडर्स फेल्ट वेरी अनहैप्पी taking advantage of such a situation, the Nawab of Dhaka Salimullah Khan proposed the formation of an organization which would exclusively look after the interest of Muslim. अब मुस्लिम लोग जो लीडर्स थे वो बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि हाँ चलो हमारा भी एक अलग से इलेक्टोरेट खड़ा होगा और हम उसको वोट देंगे ताकि वो हमारे इंटरेस्ट के बारे में हमारे लिए काम करें। अब इस चीज़ का, जब मुस्लिम और हिंदुओं में ऐसे फूट पड़ गई, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो ढाका के थे। उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो फॉर्म हुई 30 December 1906 में। दिस इज़ ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट लाइन कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म की गई। इट वॉज फाउंडेड ऑन 30 December 1906। The British welcomed the formation of the League.
They were successful in their effort to keep the Muslims away from the mainstream of Indian politics. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस लीग का स्वागत किया, बहुत मतलब मेल जोल बढ़ाया इससे. क्यों? क्योंकि वो अपने जो उनका मोटिव था डिवाइड एंड रूल का, उसमें कामयाब हो गए. इन मुस्लिम्स को जो पूरी इंडिया में पॉलिटिकल नेशनलिज्म चल रहा था उसमें मुस्लिम्स को अलग रखने में कामयाब हो गए थे. फिर आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909. The Viceroy Lord Minto and the Secretary of State for India, John Morley, realized that mere repression would not end the trouble caused by the partition of Bengal. जो partition of Bengal के बाद country में जो condition आई है, जो इतनी जो nationalism nationalist movement इतना बड़ा फैला है, वो खाली रिप्रेशन से ख़त्म नहीं हो सकता. They tried to pacify the Indians by enacting the Indian Council Act in 1909. और वो इंडियंस को शांत करने के लिए उन्होंने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बनाया. द एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. और इस एक्ट को नाम दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. द इंडियन काउंसिल एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ इम्पीरियल सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसका साइज बढ़ा दिया. द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. और उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का इंतज़ाम किया सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेचर्स में. दिस प्रिंसिपल वॉज फिल्ड विद मिसचीफ. लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था. It struck a fatal blow at the unity of India. और इससे क्या हुआ, एक ये एक बहुत घातक हथियार से दुआ हमारी कंट्री की यूनिटी को काटने के लिए. From the day of that decision, the country knew no communal peace or harmony. और उस दिन के बाद इंडिया ने जब तक ब्रिटिश के अंडर में रहे कभी भी सुख शांति का दिन नहीं देखा. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम को बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया था. आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फिर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई हमारी कंट्री में, मींस पूरे देश में ब्रिटिश के खिलाफ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914. Important line, when was first world war broke out? It was broke out in 1914. Bal Gangadhar Tilak had already been released from jail in 1914. 1914 mein Bal Gangadhar Tilak ko release kar diya gaya tha jail mein se. The assertive nationalists rejoined the national Indian National Congress in 1916. Aur jo assertive nationalist ko 6 saal tak 9 saal tak alag kiya gaya tha, unko fir rejoin kiya gaya Indian National Congress mein. Two important developments took place during the World War. 1914 से लेकर 1918 तक दो most important developments किए गए. First was the launch of Home Rule Movement. पहला तो Home Rule Movement बनाया गया. And the second was the Congress Lead Accord of 1916, also known as the Lucknow Pact. और एक Lucknow Pact बनाया गया. The Home Rule Movement. सबसे पहला था होम रूल मूवमेंट. एनी बेसेंट वॉज प्लीडिंग विद ग्रेट पैशन इंडियाज केस फॉर होम रूल विच मेंट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. एनी बेसेंट जो थी वो हमारे इंडिया के लिए केस लड़ रही थी कि होम रूल लीग बनाई जाए, होम रूल लाया जाए. होम रूल होता है कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए, स्वराज दिया जाए, मीन्स इंडिपेंडेंस दी जाए. इन सेप्टेम्बर 1916 शी इनॉगरेटेड अ होम रूल लीग इन मेड्रास. और उन्होंने होम रूल लीग का इनॉगरेशन किया. अनदर होम रूल लीग वॉज हैड ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड एट पूना इन अप्रैल 1916. अप्रैल 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक पहले ही एक होम रूल लीग बना चुके थे. एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक हैड एग्रीड दैट द पूना लीग वुड वर्क इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वेयर एज दैट ऑफ बेसेंट एनी बेसेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. द होम रूल मूवमेंट क्रिएटेड ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग द मासेस ऑफ इंडिया. इन 1917 एनी बेसेंट वॉज अरेस्टेड. लेकिन 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया. क्यों? क्योंकि वो इंडिया के होम रूल के लिए लड़ रही थी.
Protest meetings were held all over India and Annie Besant became the ideal of people. और बहुत सारे मीटिंग्स किए गए, प्रोटेस्ट मीटिंग्स, प्रोटेस्ट रैली की गई और एनी बेसंत क्या बन गई, लोगों के लिए एक आइडियल बन गई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो होम रूल के लिए ही इंडिया के फेवर में लड़ रही थी केसेस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था वो था लखनऊ पैक्ट. इन दिसंबर 1911 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड. और 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया. आफ्टर बाल गंगाधर तिलक्स रिलीज इन 1914 एनी बेसेंट मेड एफर्ट्स टू री यूनाइट द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट. और 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक बाहर आए जेल से, तो एनी बेसेंट ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे एफर्ट्स किए नेशनल कांग्रेस के जो दो विंग्स थे, मॉडरेट्स और असर्टिव नेशनलिस्ट को री यूनाइट करने के लिए. द मुस्लिम लीग नाउ हैड अ मोर लिबरल लीडरशिप. अब जो मुस्लिम लीग थी उनका अपना एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती जा रही थी. इट्स लीडर मोहम्मद अली जिन्ना फेवर्ड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस. जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने ये तो मान लिया कि चलो ठीक है, कोऑपरेट किया जाएगा कांग्रेस के साथ. अटैम्प्ट इन दिस डायरेक्शन वर ऑल्सो मेड बाई बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, डॉक्टर अंसारी एंड अदर लीडर्स. As a result, in December 1916, the Indian National Congress and the Muslim League both held their sessions at Lucknow. और दोनों ने ही मिलकर एक सेशन रखा लखनऊ में. The League agreed to support the demand of self-government for India. और लीग ने, दोनों ने ही ये एग्री किया कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इस डिमांड के लिए कि हमें इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड दैट द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स वुड कंटिन्यू टू बी इलेक्टेड थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स. लेकिन ये भी डिसाइड किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि ठीक है, जैसे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी वो वैसे ही चलता रहेगा. द लखनऊ पैक्ट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द वे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और लखनऊ पैक्ट जब साइन किया गया तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए. बट द पैक्ट कैप्ट अलाइव द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. लेकिन ये उसमें जारी रहा कि मुस्लिम्स के लिए और हिंदूज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, और हिंदू लोग हिंदू कैंडिडेट को वोट करेंगे और मुस्लिम लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे. This is only for this chapter now. Thank you.